वेलकम बैक फ्रेंड्स, नेटवर्किंग गुरुजी चैनल में आपको बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो प्लीज एंड तक देखिए। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। आज का जो हम लोग टॉपिक देखेंगे, वर्कशॉप को कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं इन इवंतु सिस्टम में। तो मैं यहाँ पर इवंतु का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे वर्कशॉप को इंस्टॉलेशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो प्लीज एंड तक देखिए। नेक्स्ट मंथ से मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जो है न्यू CCNA एग्जाम कोड है 200/301। अगर आप लोग इंटरेस्ट हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये टोटली फ्री नहीं है, ये टोटली पेड कोर्सेस हैं। अगर आप और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में ऑल इन्फॉर्मेशन है, पहले आप देख लीजिए, देन उसके बाद ज्वाइन करिए। आप लोग लाइक कमेंट कुछ नहीं करते तो देखिए, एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे, जो आप लोग के लिए मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है, आई होप आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में वेबसाइट का लिंक दे दूंगी, आप जरूर फॉलो कर लीजिए, तो आपके लिए और भी बेनिफिट हो सकती है। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए CCNA रिलेटेड एंड CCNP एंड CCI, देन उसके बाद यहाँ पर आपको इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, आप जरूर फॉलो कर लीजिए। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वहां पर आपको ऑल नोटिफिकेशन का आइकन मिल जाएगा, आप जरूर ऑल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में और सोशल लिंक का साइट अवेलेबल है, आप वहां पर जाइए, पेज को लाइक करिए एंड फॉलो भी करिए, वहां पर भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू सो मच। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कैसे वर्कशॉप को इंस्टॉलेशन करते हैं इन इवंतु सिस्टम में एंड कैसे पैकेट को कैप्चर करते हैं, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, सो हम लोग इवंतु सिस्टम में आ चुके हैं, देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे वर्कशॉप को कैसे डाउनलोड करते हैं एंड कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं इन इवंतु सिस्टम में। तो यहाँ पर मैं इवंतु का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ, जो है 20.04 LTS वर्जन। अगर आप वर्कशॉप के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ये है वर्कशॉप की ऑफिशियल वेबसाइट, जो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी। अगर आप ऑल इन्फॉर्मेशन को रीड करना चाहते हैं तो वर्कशॉप क्या है एंड वर्कशॉप किस लिए यूज करते हैं, वर्कशॉप में क्या क्या होती है, आप ऑल इन्फॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप यहाँ से जान सकते हैं। अगर आप वर्कशॉप के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑल इन्फॉर्मेशन को रीड भी कर पाएंगे एंड उसके साथ यहाँ पर वीडियो वॉच भी कर पाएंगे। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडिंग करती है। देन उसके बाद हम लोग मूव करते हैं इंस्टॉलेशन मेथड। तो इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे इवंतु सिस्टम में, तो चलिए, तो ये है टोटली इंस्टॉलेशन मेथड, तो मैं आप लोग के लिए डिटेल्स में शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो देखिए इसका जो फर्स्ट कमांड है, जो देखिए sudo apt update, आप इस कमांड को लिख भी सकते हैं नहीं तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद टर्मिनल में पेस्ट करता हूँ, देन उसके बाद एंटर बटन में प्रेस करता हूँ। एंटर बटन में प्रेस करने के बाद एपीटी अपडेट टोटली मेरा कंप्लीट हो चुका है। जब भी आप एप्लीकेशन को इंस्टॉलेशन करेंगे उस सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपरली इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। देन उसके बाद हम लोग सेकेंड कमांड क्या है, तो चलिए देखते हैं। जो देखिए सेकेंड जो कमांड है, जो देखिए sudo apt upgrade, जो देखिए ये है टोटली उसका कमांड। तो चलिए यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद टर्मिनल में पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद एंटर बटन में मैं प्रेस करता हूँ। एंटर बटन में प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज शो करिए, जो देखिए डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस एंड नो। तो यहाँ पर आपको यस बटन को प्रेस करना पड़ेगा, देन उसके बाद कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करिए। देन उसके बाद यहाँ पर एपीटी अपग्रेड होना स्टार्ट हो चुका है, जो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, यहाँ पर आपको डिपेंडिंग करती है आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर। अगर आपके इंटरनेट का स्पीड बहुत ही फास्ट है तो ज़्यादा टाइमिंग नहीं लेगा, अगर आपके इंटरनेट का स्पीड थोड़ा सा स्लो है तो टाइमिंग लग सकती है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए एपीटी अपग्रेड कंप्लीट हो चुका है, देन उसके बाद यहाँ पर टर्मिनल को मैं क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद थर्ड नंबर कमांड क्या है, तो चलिए देखते हैं। जो देखिए थर्ड नंबर कमांड है, जो देखिए sudo add -apt -repository ppa then workshop
डेप स्लैश स्टेबल। जो देखिए यह है टोटली कॉमन, तो देखिए यह है टोटली कॉमन, मैं इसको टोटली कॉपी कर लेता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पर टर्मिनल में पेस्ट करता हूँ। जो देखिए यह है टोटली कॉमन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो देखिए सूडो एट हाइफेन एपीटी हाइफेन रेपोजिटरी पीपीए देन वर्कशॉप हाइफेन डेप स्लैश स्टेबल, देन उसके बाद एंटर बटन में प्रेस करिए। एंटर बटन में प्रेस करने के बाद आपके सामने एक मैसेज शो करिए, जो देखिए प्रेस एंटर टू कंटिन्यू और कंट्रोल सी टू कैंसिल। जो देखिए अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पर एंटर बटन में प्रेस करिए, नहीं तो कंट्रोल सी बटन को प्रेस कर सकते हैं कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पर एंटर बटन में प्रेस करता हूँ। एंटर बटन में प्रेस करने के बाद इसका प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। जो देखिए ये भी टोटली कंप्लीट हो चुका है, देन उसके बाद टर्मिनल को मैं क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कमांड क्या है तो चलिए देखते हैं। जो देखिए नेक्स्ट कमांड है sudo apt update, तो चलिए तो मैं इसको टोटली कॉपी कर लेता हूँ, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। देन उसके बाद एंटर बटन में प्रेस करिए, जो देखिए apt update जो भी है तो ये टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद फिर से मैं टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या है, जो देखिए sudo apt hyphen get install workshop, इस बार हम लोग वर्कशॉप को इंस्टॉलेशन करेंगे। जो देखिए यह है टोटली कॉमन, तो मैं यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, जो देखिए sudo apt hyphen get install workshop, देन उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद आपके सामने एक मैसेज शो करिए, जो देखिए डू यू वांट टू कंटिन्यू यस एंड नो, तो यहाँ पर आपको वाई बटन को प्रेस करना पड़ेगा, देन उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करिए। जो देखिए ये टोटली डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है एंड ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज शो कर रही है, जो देखिए कॉन्फिगरिंग वर्कशॉप कॉमन, जो देखिए शूट नॉन सुपर यूजर बी एबल टू कैप्चर पैकेट, जो देखिए येस एंड नो का ऑप्शन है। तो देखिए ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडिंग करती है, आप यहाँ पर क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं यस देना चाहता हूँ, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडिंग होगा। देन उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन में प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फिर से ये इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, आपको वेट करना पड़ेगा। जो देखिए यहाँ पर टोटली वर्कशॉप इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो चुका है, जो देखिए कोई भी यहाँ पर एरर मैसेज नहीं आए हैं। देन उसके बाद क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग शो एप्लीकेशन में जाते हैं। शो एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं वर्कशॉप फाइनली यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग वर्कशॉप को वर्शन क्या है तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो देखिए वर्शन के लिए दोनों कमांड यहाँ पर अवेलेबल है, तो दोनों कमांड ही मैं आप लोग के लिए दिखाऊंगी। जो देखिए यह है कमांड, जो देखिए फर्स्ट जो कमांड है वर्कशॉप स्पेस डबल वर्शन, जो देखिए यह है टोटली कमांड। जो देखिए मैं इस कमांड को टोटली कॉपी कर लेता हूँ, देन उसके बाद टर्मिनल में पेस्ट करता हूँ। जो देखिए कमांड है वर्कशॉप स्पेस डबल हाइफेन वर्शन, देन उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करिए। जो देखिए एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर वर्शन आप देख पाएंगे, जो देखिए यहाँ पर वर्शन है वर्कशॉप का 3.2.5, जो देखिए इसका जो वर्शन है। जो देखिए इस कमांड से भी आप वर्शन को चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको और भी एक कमांड है, चलिए वो भी मैं आप लोगों के लिए दिखाई देता हूँ। जो देखिए नेक्स्ट कमांड क्या है, जो देखिए नेक्स्ट कमांड है जो देखिए एपीटी शो वर्कशॉप, जो देखिए ये है टोटली उसका कमांड। तो चलिए मैं इसको भी टोटली कॉपी कर लेता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करता हूँ टर्मिनल में, देन उसके बाद एंटर बटन को मैं प्रेस करता हूँ। जो देखिए यहाँ इस कमांड से भी आप वर्शन को चेक कर पाएंगे, जो देखिए दोनों में सेम टू सेम वर्शन है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो मैं आप लोग के लिए दोनों वर्शन दिखा दिया हूँ, कोई भी आप कमांड से वर्शन को देख पाएंगे। देन उसके बाद हम लोग वर्कशॉप को ओपन करके देखेंगे, तो चलिए यहाँ से मैं टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। जो देखिए वर्कशॉप को ओपन करने के लिए जो कमांड है, जो देखिए sudo वर्कशॉप, जो देखिए ये है टोटली कॉमन। तो चलिए मैं इसको टोटली कॉपी करता हूँ, देन उसके बाद टर्मिनल में मैं पेस्ट करता हूँ, देन उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो देखिए वर्कशॉप ओपन हो चुका है, जो देखिए वेलकम टू वर्कशॉप। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, आई होप आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। जो देखिए यहाँ पर जो मेरा इथरनेट है, देन लूप बैक है, देन एनी, देन ब्लूटूथ मॉनिटर, जो भी है यहाँ पर आप फुल्ली कैप्चरिंग कर पाएंगे। जो देखिए यहाँ से मैं एक
न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, जो देखिए न्यू विंडो, देन उसके बाद यहाँ पर मैं पिंग कर लेता हूँ www.google.com, देन उसके बाद यहाँ पर पिंग स्टार्ट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर इसको भी मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, जो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो देखिए थोड़ा सा बार जैसा दिखाई दे रही है, जो देखिए अप डाउन ही हो रही है। अगर आप इसके ऊपर डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, जो देखिए हम लोग अभी पिंग रिक्वेस्ट किए हैं, जो देखिए गूगल को, जो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली पिंग रिक्वेस्ट हो जा रही है, जो देखिए यहाँ पर। तो मैं इसको टोटली स्टॉप करता हूँ, देन उसके बाद इस टर्मिनल को क्लोज करता हूँ, देन इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। जो देखिए यहाँ पर हम लोग ने थोड़ी देर पहले जो देखिए ICMP जो देखिए पिंग रिक्वेस्ट यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही थी, जो देखिए यहाँ से टोटली कैप्चर हो चुका है। जो देखिए अगर आप यहाँ पर डिटेल्स में जानना चाहते हैं ICMP के बारे में, तो चलिए इसको मैं ओपन करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन दिखाई दे रही है, जो देखिए इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो देखिए यहाँ से आप ऑल इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप जान सकते हैं, जो देखिए इसका डेटा क्या है, देन उसके बाद यहाँ पर चेकसम क्या है, देन IE क्या है, देन उसके बाद BE क्या है, ऑल इंफॉर्मेशन को। देन उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में इसका हेडर साइज क्या है, देन उसके बाद फ्लैग क्या है, फ्रेगमेंट क्या है, प्रोटोकॉल क्या यूज़ हो रही है, ऑल इंफॉर्मेशन को यहाँ से देख पाएंगे। देन उसके बाद इथरनेट 2, जो देखिए यहाँ पर डेस्टिनेशन क्या है, देन उसके बाद सोर्स क्या है, देन टाइप क्या है, देन उसके बाद फ्रेम। अगर आप फ्रेम में ऊपर और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो यस आप ऑल इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप कैप्चरिंग कर पाएंगे इस पैकेट को, जो भी हम लोग ने अभी अभी पिंग दिया है। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो कैसे पैकेट को कैप्चरिंग करते हैं। अगर आप और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगी आने वाले दिन में वर्कशॉप के ऊपर एक ट्यूटोरियल आप लोग के लिए देने के लिए, जो डिटेल्स में शेयर करूंगी। यहाँ पर पैकेट को कैप्चरिंग करना चाहते हैं जो भी आप, यहाँ पर अप्लाई ए डिस्प्ले फिल्टर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो देखिए उस पैकेट का नाम यहाँ पर दे दीजिए, देन उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करिए, जो देखिए आपके सामने दिखाएगा। देन उसके बाद उस पैकेट को ओपन करके जो आप यहाँ पर ऑल इंफॉर्मेशन को देख पाएंगे, जो देखिए हम लोग ने अभी अभी जो ICMP पैकेट को यहाँ पर ओपन किए थे, देन उसके बाद यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखे थे। देन उसके बाद यहाँ पर आप जो देखिए यहाँ पर ऑल इंफॉर्मेशन है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कोई भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो कस्टमाइजेशन भी कर पाएंगे यहाँ से। देन उसके बाद यहाँ पर कैप्चर का ऑप्शन है, जो देखिए यहाँ पर कैप्चर। देन उसके बाद यहाँ पर कैप्चर फिल्टर, अगर आप फिल्टरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से फिल्टरिंग भी कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जो देखिए आप कौन सा फिल्टरिंग करना चाहते हैं ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडिंग करती है। देन उसके बाद यहाँ पर प्लस साइन में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक न्यू फिल्टर ऐड हो जाएगा, देन उसके बाद उसको कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडिंग करती है। देन उसके बाद यहाँ पर टूल्स का भी यहाँ पर ऑप्शन है, देन वायरलेस, देन इसके बाद यहाँ पर स्टैटिकली, जो भी आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कस्टमाइजेशन कर पाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन है, अगर आप कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं तो हेल्प में भी जा सकते हैं। देन उसके बाद अबाउट सेक्शन, अबाउट सेक्शन में जो देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग के लिए वर्जन दिखाए थे, जो देखिए वर्जन है 3.2.5, जो देखिए अभी जो लेटेस्ट वर्जन है। देन उसके बाद यहाँ पर टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर फायरवॉल ACL रूल्स, अगर आप रूल्स को कोई यहाँ पर इनबाउंड एंड आउटबाउंड है, आई थिंक आप लोग जानती होंगे जो फायरवॉल में होती है, अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं, नहीं तो क्वाइट विदाउट सेविंग में आप क्लिक करिए, जो देखिए वर्कशॉप टोटली यहाँ से क्लोज हो जाएगा। जो देखिए तो मैं आप लोग के लिए फिर से दिखाई देता हूँ, जो देखिए sudo workshop, जो देखिए इस कमांड को आप लिख भी सकते हैं, तो फिलहाल मैं यहाँ पर टोटली कॉपी कर लेता हूँ, देन उसके बाद टर्मिनल में पेस्ट करता हूँ, देन उसके बाद एंटर बटन में प्रेस करता हूँ। एंटर बटन में प्रेस करने के बाद ही यहाँ पर आप ऑल इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप यहाँ से देख पाएंगे। जो देखिए यहाँ पर जो देखिए हम लोग का जो है इथरनेट 33, जो देखिए यह है टोटली पैकेट। यहाँ पर पैकेट शो नहीं किस लिए कर रही है, जो देखिए हम लोग ने कोई भी काम नहीं किया है। जो देखिए अगर मैं यहाँ पर पिंग कर लेता हूँ, जो देखिए पिंग google.com, जो देखिए थोड़ी देर पहले हम लोग ने डिस्कशन किए थे, जो देखिए पैकेट कैप्चरिंग होना स्टार्ट हो चुका है, तो मैं इसको टोटली क्लोज कर लेता हूँ। जो देखिए यहाँ पर पैकेट आप देख पा रहे हैं, जो देखिए
सेम टू सेम यहाँ पर जो भी आप काम करेंगे तो यहाँ से ऑल इन्फॉर्मेशन को देख पाएंगे। एंड यहाँ पर डिस्प्ले फिल्टरिंग, अगर आप फिल्टरिंग करना चाहते हैं तो फिल्टरिंग भी कर पाएंगे एंड अदर्स ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो देखिए अगर आप वायरलेस में हैं, वायरलेस टॉपिक को कैप्चरिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन है, देन हेल्प का ऑप्शन है, देन यहाँ पर गो में, यहाँ पर गो टू पैकेट में जा सकते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट पैकेट एंड कैप्चरिंग, यहाँ पर आप ऑल इन्फॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप कर पाएंगे एंड पैकेट को सेव भी कर पाएंगे। जो देखिए सेव करने के लिए, जो देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग के लिए दिखाए थे, जो देखिए यहाँ पर यहाँ से भी आप सेव कर पाएंगे, सेव भी कर पाएंगे। देन उसके बाद मैं इसको टोटली स्टॉप एंड क्वाइट करता हूँ। जो देखिए मेरा वर्कशॉप टोटली कंप्लीट हो चुका है कैप्चरिंग। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग मूव करते हैं। जो देखिए अगर आप वर्कशॉप को अनइंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, अनइंस्टॉलेशन कैसे करेंगे तो चलिए वो भी मैं आप लोग के लिए दिखाई देता हूँ। जो देखिए अनइंस्टॉलेशन करने के लिए यह है टोटली कमांड। जो देखिए sudo apt-get स्पेस रिमूव स्पेस डबल हाइफेन ऑटो रिमूव वर्कशॉप स्पेस वर्कशॉप हाइफेन स्टार। जो देखिए इस कमांड को आप टोटली कॉपी करिए, देन उसके बाद टर्मिनल में यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। देन उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने मैसेज शो करिए, जो देखिए डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस एंड नो। यहाँ पर अगर आप वाई बटन को प्रेस करेंगे, देन उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो ये अनइंस्टॉलेशन हो जाएगा आपके सिस्टम से वर्कशॉप। तो फिलहाल मैं यहाँ पर वर्कशॉप को अनइंस्टॉलेशन नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग अनइंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो इस कमांड से अप्लाई करिए, अनइंस्टॉलेशन हो जाएगा। देन उसके बाद मैं आप लोग के लिए और भी एक इंफॉर्मेशन देता हूँ। जो देखिए अगर आपने एक वर्कशॉप को इंस्टॉलेशन कर लिया है, देन उसके बाद अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कोई भी डाउट आ रही है, देन आप वर्कशॉप को कैसे रिकॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो चलिए वो भी मैं आप लोग के लिए दिखाई देता हूँ। जो देखिए रिकॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये है टोटली इसका कमांड। जो देखिए sudo स्पेस dpkg हाइफेन रिकॉन्फ़िगर वर्कशॉप हाइफेन कमांड। जो देखिए ये है टोटली कमांड। जो देखिए मैं यहाँ पर टोटली कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जो देखिए देन उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रिकॉन्फ़िगरेशन का एक यहाँ पर विंडो आ चुका है। जो देखिए कॉन्फ़िगरिंग वर्कशॉप कमांड, जो देखिए ये है टोटली कमांड। देन उसके बाद यहाँ पर एंटर बटन को प्रेस करिए। जो देखिए एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर कॉन्फ़िगरिंग वर्कशॉप, जो देखिए शुड नॉन सुपर यूजर बी एबल टू कैप्चर पैकेट, ये टोटली डिपेंडेड करती है आपके ऊपर। यहाँ पर येस करना चाहते हैं कि नो करना चाहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, देन ये टोटली रिकॉन्फ़िगर हो जाएगा। जो देखिए वर्कशॉप, अगर आपने गलती से उस टाइम में वहाँ पर कुछ गलत कर दिया है, देन उसके बाद आप इसको रिकॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे वर्कशॉप को। तो इसके लिए ये है टोटली कमांड। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो कैसे वर्कशॉप को इंस्टॉलेशन करते हैं इन Ubuntu सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप। एंड इंस्टॉलेशन मेथड ये है, अगर आप इस कमांड को टोटली नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। अगर आप वर्कशॉप के बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो वर्कशॉप की यह है ऑफिशियल वेबसाइट, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी। अगर आप ऑल इन्फॉर्मेशन को रीड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रीड भी कर पाएंगे। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो कैसे वर्कशॉप को इंस्टॉलेशन करते हैं इन Ubuntu सिस्टम में। अगर आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कोई भी डाउट आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। अगर आप लोग का कोई भी नेटवर्किंग रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, नहीं तो कोई भी क्वारी है, तो वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दीजिए, वो भी मैं आप लोग के लिए हेल्प कर दूंगी। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग कौन सा टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते हैं, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगी आने वाले दिन में उस टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल देने के लिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग और भी एडवांस टू एडवांस नेटवर्किंग ट्यूटोरियल मैं जरूर आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगी। सो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। इसके साथ वेबसाइट को जरूर फॉलो कर लीजिए। अगर आप ऑनलाइन क्लास के बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में ऑल इन्फॉर्मेशन है, आप जल्दी से जल्दी सीट को बुकिंग कर लीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है।
जो नेक्स्ट मंथ से मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जो है न्यू CCNA 200/301। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।